वेलकम गाइस, आज अपन थोड़ा सारे का फिर स्वागत है। आज अपन कंटिन्यू करेंगे डेटा टाइप्स इन एएसपी डॉट नेट। तो आज जो सी शार्प 11 है उसके कुछ और भी डेटा टाइप्स ने, अपन दो वीडियोस लास्ट तुसी देखे होने। आई होप वो डेटा टाइप्स तुम्हें समझ आ गया होंगे। इंटीजर्स ते रियल नंबरस अपन कर ले आ। हुण अपन करेंगे कैर ते स्ट्रिंग। कैर मीनस करैक्टर, राइट। आई होप कि करैक्टर का मतलब थोनों सारे नो पता होना, जे नहीं पता तो आप डिस्कस कर लेने। करैक्टर मीनस हर वो अल्फाबैट नो करैक्टर कहा जाता है। लाइक ए एक करैक्टर है, बी एक करैक्टर है, सी डी ई एफ, राइट। ये सारे एक करैक्टरस ने, कंबीनेशन ऑफ करैक्टरस बनती है स्ट्रिंग। कंबीनेशन ऑफ करैक्टर स्ट्रिंग बन दी है। ये अपन कंसोल एप्लीकेशन अपने ओपन कर ली है, जिस लास्ट टाइम बूलियन भी किया अपन लास्ट वीडियो। आई होप तुसी देखे होने। अज आप स्टार्ट करते हैं कैर दे नाल। कैर मतलब एक करैक्टर। अल्फाबैट बैट कहने आप हमेशा सिंगल कोड के नाल ही लिखा जाता, जिसे मैं लिखागा जी। जे ये मैं एक होर वर्ड लिखदा तो यह एरर देने लग जाता। ये एरर की है, रिप्रजेंट टू मैनी करैक्टरस इन करैक्टर लिटरल। ये कह रहा है कि एक तो वध करैक्टर आप ऐड कर दिते ने, ये एक ही करैक्टर नूं कैर कहा जाता, राइट। जे दो कर देंगे तो यह एरर दे दिंदा। हुण जे मैं स्ट्रिंग की गल करा, स्ट्रिंग दे विच मैं लिख दिता है नेम, ये आप डबल कोट्स नाल रिप्रजेंट करते हैं। तो ये आप किन्नी भी वड्डी स्ट्रिंग लिख सकते हैं, तो होर स्पेस भी ऐड कर सकते हैं, जिस लई गुरिंदर सिंह। इनू जे हुण आपां अगर इसे हमने देखना है प्रिंट करवा के, वी कैन डू। पहले अल्फा प्रिंट करवा लेते हैं, फिर करवाते हैं। रीडलाइन क्यों यूज़ करते हैं, मैं लास्ट वीडियो भी तुम्हें दसिया सी, सो दैट की आउटपुट वाली विंडो अपने आप क्लोज ना हो जाए। जब वेट फॉर टू सेकंड्स जी। अल्फा प्रिंट, अल्फा दे विच सिंगल ही करैक्टर प्रिंट होंदा तां जी, ते स्ट्रिंग दे विच आपां पूरा नाम जां कोई भी वड्डी स्ट्रिंग आपां लिख सकते हैं, राइट। जे मैं पूरा सेंटेंस भी लिखना ना, वो भी लिख सकता है। जे मैं लिखता एड्रेस, एड्रेस मोहाली फेस 8 इंडस्ट्रियल एरिया पंजाब इंडिया, अल्फा की जगह एड्रेस कर दिता मैं। वी कैन रिफ्रेश द आउटपुट। मैं कॉमा ऐड किया है तो ये भी कोई चक्कर नहीं, आप स्पेशल करैक्टर भी कुछ ये ऐड कर सकते हैं, राइट। स्ट्रिंग दे विच आप नमेरिक वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, इतने जिमें 8 है, 8 भी तो आ गया, मीनस इस तो ज़्यादा भी। सारे करैक्टरस के रियल नंबर इंटीजर सारे नो मिला के एक स्ट्रिंग बन जाती है। स्ट्रिंग आप किसी भी तरीके लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं स्ट्रिंग दे विच। वी कैन से
पर स्ट्रिंग च इशू उदो आ जाता जो अपन ये बैक स्लैश कितने लिखनी पै जाए तो आप इदा बैक स्लैश एक स्ट्रिंग के बीच नहीं लिख सकते इन कर लिखण का एको तरीका है जो आप उत्थे एक स्लैश होर पानी पैनी अगर एक स्लैश प्रिंट करानी है तो आप डबल स्लैश लिखनी पैनी है अपन दोबारा रिफ्रैश करके चैक कर लें हूँ देखो तुम आउटपुट के बीच तो सिंगल स्लैश ही आई है पर उत्ते अपन डबल लिखनी पी राइट स्लैश अपन इदा ही लिखनी पैंती ज़्यादातर ये इशू आता है जो आप पाथ से काम करते हैं स्ट्रिंग पाथ जो किसी फाइल का पाथ आप यूज करना होंगे ना उदो सब तो वह यही दिक्कत आती है जस्ट लाइक सी डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर विच माय फोल्डर है फोल्डर हैगी है टेस्ट डॉट जेपीजी आई होप जेपीजी का पता होना जेपीजी इमेज का पता हुण जो ये पाथ तुसी नॉर्मली जे तुसी प्रोग्राम लिखते हो तो ओबियसली फाइल्स वगैरह तो यूज़ करते ही आप पाथ की दिक्कत हमेशा आऊगी थोनों जब आप डबल कोट्स लगा दीए तो सॉल्व कर सकते हैं जिस एक ऑल्टरनेट है कि आप इतने बिफोर द सी शार्प आप ला दी इतने एट द रेट राइट डबल कोट स्टार्ट होने तो पहले जी आप एट द रेट लगा दीए तो जिमें दी ही स्ट्रिंग है बिल्कुल सेम ही प्रिंट हो जूगी आपां नूं कुछ भी हमें चेंज करने की और जरूरत नहीं पड़ेगी वी नो नीड टू टेक एनी वरी कि स्ट्रिंग जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें स्पेस है कैसे है ये देखो ऐसे ही बिल्कुल सेम है एज इट हमारा प्रिंट हो गया ठीक है इन्हें कहते हैं हम स्ट्रिंग लिटरल्स ताकि जो स्ट्रिंग में कुछ कमियाँ हैं ना इस डेटा टाइप में वो हम इससे रिजॉल्व कर सकते हैं एट द रेट में हम और कुछ भी लिख सकते हैं जस्ट लाइक स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन अपने आप ही उसमें प्लस ऐड कर रहा है जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ ये प्लस ऐड कर रहा है लेकिन एक्चुअली आई डोंट वांट टू ऐड प्लस ये तो कर ही रहा है मानता नहीं बात को अगर मैंने ऐसे स्ट्रिंग में स्पेस देना है मैं चाहता हूँ ऐसे ही स्पेस में नेक्स्ट लाइन में टेक इंजीनियर प्रिंट हो लेकिन एज नॉर्मल स्ट्रिंग से पॉसिबल नहीं है अगर मैं एट द रेट लगाता हूँ देन जो एरर आ रहे थे वो सिंटैक्स एरर चले गए हैं और मैं ऐसे ही अब प्रिंट करवा पाऊँगा इसे नेक्स्ट लाइन में अगर टेक इंजीनियर लिखा हो जस्ट रिफ्रेश टू चेक द आउटपुट ये देखिए प्लीज सब्सक्राइबर चैनल टेक इंजीनियर राइट वो ऐसे ही नेक्स्ट लाइन में आ रहा है लेकिन अगर मैंने इसे हाईलाइट करना है थोड़ा सा देन व्हाट वी कैन डू अगर मैं चाहता हूँ ये डबल कोट्स में आए तो सिंगल डबल कोट डाल के काम नहीं चलेगा जैसे मैंने सिंगल डाला था ना तो ये एरर दे रहा है अगर मैं एक और डाल दूंगा डबल कोट तब मीन्स यहाँ पे मुझे डबल डालना पड़ेगा ताकि आउटपुट में ये सिंगल शो कर सके यस दिस इज द आउटपुट कि आउटपुट में डबल कोट में ये आ सके राइट
मुझे दो लगाने पड़े हैं ताकि आउटपुट में एक एक आ सके, और अगर मुझे एक और लगाना है लेकिन अगर तीन डाल दिया तो ये एरर दे रहा है, ये नहीं चलेगा। इसे दो में ही रखते हैं हम, और तीस अगर कहीं पे तीन लगाने पड़ जाएं, और एक और भी है रॉ स्ट्रिंग लिटरल कहते हैं जिसे हम, इसका नाम देखता हूँ मैं, रॉ स्ट्रिंग में ट्रिप, इसमें हम ट्रिपल डबल कोट्स लगा देंगे और उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, प्लीज शेयर आवर वीडियोस विद फ्रेंड्स एंड आस्क देम लाइक एंड फॉरवर्ड नेक्स्ट डेवलपर्स। देखा अपने अभी इसके एरर चले गए, अगर थ्री ट्रिपल डबल कोट्स वाला ऑप्शन आपने चूज़ करना है ना, तो वो एक सेम लाइन में नहीं होना चाहिए। जिस लाइन में आपने स्टार्ट किया उससे एंटर डाल के नेक्स्ट लाइन में कर दो, और जो लास्ट में हमने क्लोज़ किया ना यहाँ पे ट्रिपल डबल कोट्स, वो भी नेक्स्ट लाइन में आने चाहिए। ऐसे कर सकते हैं हम, तो ऐसे जी इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो आप। जैसे अगर मैं ये प्रिंट करके दिखाता हूँ, पहले आपको रॉ स्ट्रिंग कर दी मैंने डिस्क्रिप्शन की जगह, और नेम भी मैं हटा दिया, जस्ट रिफ्रेश इट। और ये देखिए ये ऐसे ही सेम ऐसे ही आ रहे नेक्स्ट लाइन में, राइट। और मैं इसके अंदर अगर मैंने डबल कोट्स यूज़ करने हैं ना, तो मैं इजीली कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, कोई एरर नहीं आता। ये देखिए ये प्रिंट भी डबल इक्वल टू सॉरी डबल कोट्स हो चुके हैं, राइट। डबल कोट्स डेवलपर्स डबल कोट्स, राइट। और इसमें एक और बात है कि अगर मैं इसे यहाँ कर दूँ तो इसके आउटपुट में देखते हैं क्या चेंजेस आएंगे। ये देखिए अगर मैं चाहता हूँ ना कि ये स्पेस ले आगे स्पेस आए इसके, तो मैं ये डबल कोट्स उठा के आगे कर सकता हूँ, जितनी आगे करूँगा मैं उतनी स्पेस आ जाएगी, जितना इसे दूर कर दूँगा। अब आउटपुट है जो वो बिल्कुल उसकी स्क्रीन के मिड में आएगी, ये देखिए, राइट। और एक मैं स्टार स्लैश कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, वो सेम एज इट इट प्रिंट हो जाएगा। रिफ्रेश इट, राइट। अगर आपने कोई कोड है, कोई कोड प्रिंट करवाना है या कुछ भी प्रिंट करवाना है जो आप कहते हो एज इट प्रिंट हो जाए, कुछ भी चेंजेस ना आए उसमें, तो आप ये ट्रिपल डबल कोट्स वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ये मेथड यूज़ कर सकते हो, राइट। या एट द रेट यूज़ कर सकते हो, जो जैसे केसेस में मैंने बताया है, लाइक किसी फाइल का पाथ वगैरह देना है अपने, या कुछ एड्रेस लिखना है, बिकॉज एड्रेस में कई बार आता है ना 8/6, कुछ एड्रेसेस में ऐसा भी होता है, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं एट द रेट, राइट। अगर स्ट्रिंग के रिलेटेड और कैर डेटा टाइप के रिलेटेड कोई इशू है, जब आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसके नीचे कमेंट कर देना, शेयर कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट डेटा टाइप पे जल्दी ही वीडियो लेकर आऊँ। और अब मैं ट्राई करूँगा कि एवरी डे हम एक वीडियो ज़रूर अपलोड करें।
मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।